या नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। अब जिस तरह से यहाँ लड़ा, जिस तरह से जनता ने मेरा यहाँ साथ दिया, जो मेरी खेरागढ़ की जनता मेरे साथ जिस तरह से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी, मुझे इन राजनीतिक षड्यंत्रकारियों ने पैदा होने से पहले समाप्त कर दिया। मेरी भ्रूण हत्या कर दी गई। मुझे 3 साल दिन और रात मैंने मेहनत की। मैंने अपनी भावनाओं को पहले बता दिया था। दिगंबर सिंह धाकरे विधानसभा खेरागढ़ से चुनाव लड़ रहा हूँ, विधानसभा खेरागढ़ का ही रहने वाला हूँ। देखिए पहला मुद्दा तो यह है कि भाजपा बात करती है संस्कारों की और विचारों की, विचार परिवार की बात करती है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आप विचार परिवार की बात करिए, संस्कारों की बात करिए, लेकिन जो आपके जिन विधायकों ने दूसरी पार्टी के विधायकों को हराया, उन प्रत्याशियों को हराया पिछली 5 साल पहले, उसी प्रत्याशी को आपने वहाँ टिकट दे दिया, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भावनाओं पर कुठाराघात नहीं है? और अगर कुठाराघात है, अगर आप ये मान के चलें कि नहीं साहब वो प्रत्याशी जिताऊ है और जो पूर्व विधायक थे वो जिताऊ नहीं थे, तो क्या आप 5 साल में उस विधायक का जो जिताऊ अब आपके लिए नहीं रहा उसका कोई विकल्प तैयार नहीं कर पाए? और अगर आप विकल्प तैयार नहीं भी कर पाए तो क्या आपको खेरागढ़ क्षेत्र का रहने वाला कोई भी बंदा नहीं मिला 3,26,000 वोटों में से जिसको आप चुनाव लड़ा पाते? यानी कि आप दूसरी पार्टी से इम्पोर्ट करके नहीं लाए, आप दूसरे क्षेत्र से इम्पोर्ट करके लाए। अब आप ये कह सकते हैं कि वो 2 बार विधायक वहाँ दूसरी पार्टी से रहा, तो मैं दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनने किन परिस्थितियों में उनको वहाँ लड़ाया होगा ये वो जानते हैं, लेकिन खेरागढ़ की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है, खेरागढ़ की कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया है, खेरागढ़ के समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया है, खेरागढ़ के विचार परिवार के जो लोग हैं उनकी भावनाओं पर कुठाराघात किया है। मैं जानता हूँ कि आपके साथ लड़ना पत्थर से सिर फोड़ना है, लेकिन मैं तैयार हूँ, मैं पत्थर से सिर भी फोड़ूंगा। इतना ही नहीं, मुझे आखिर तक धोखे में रखा कि ये वहाँ का रहने वाला है, काम करने वाला आदमी है, ये वहाँ चुनाव जीत सकता है, तो मुझे दूसरी पार्टियों में जाने से भी बड़े बड़े मंत्रियों के द्वारा रोका गया, और मात्र रोका ही नहीं गया, मुझे मेरे साथ दगा किया गया, मुझे धोखा दिया गया, मुझे राजनीतिक रूप से। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।